डैड, संयुक्ता भाभी और गौतम भैया ने वैष्णवी को अरेस्ट करवा दिया है। हम लोग घर आ रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं, मेरे मुन्ना भैया की लाश के साथ। मैं अस्पताल गया था, डॉक्टर्स ने जो मुझे बताया और जो तुम समझ रही हो वो सच्चाई नहीं है संयुक्ता। सर माफ कीजिएगा, मुझे इन्हें लॉकअप में बंद करना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जिनके ऊपर इन्होंने हमला किया था उसकी मौत हो गई। इनके ऊपर कत्ल का आरोप है, मुझे इन्हें हिरासत में लेना ही होगा। वंश, ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? आप कुछ देर रुकिए तो सही। आई एम सॉरी सर, हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे मामले की तहकीकात के लिए इन्हें हिरासत में लेना ही होगा। मैं कांस्टेबल एक मिनट इन्हें आप हिरासत में नहीं ले सकते इंस्पेक्टर साहब। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को हिरासत में लेने? सर माफ कीजिएगा, इनके खिलाफ कत्ल का आरोप है। किसने कहा आपसे? सर वैष्णवी जी के खिलाफ इन्होंने ही शिकायत दर्ज करी थी। इन्होंने गलत शिकायत दर्ज की है, सरासर गलत कहा है इन्होंने। मुन्ना राजन का कत्ल नहीं हुआ है, उसकी मौत स्वाभाविक मौत है, इसीलिए आपका ये इल्जाम भी मिथ्या है और इनका उन पर केस करना भी मिथ्या है। लेकिन सर, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूं इंस्पेक्टर साहब। कानून की किताब में ये कहीं नहीं लिखा कि शक के बिना पर किसी को हिरासत में लिया जा सकता है। किसी को हिरासत में लेने के लिए आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। मिथ्या आरोपों पर किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए मेरे साथ उस अस्पताल में, मैं उस डॉक्टर से मिलाता हूं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी इंस्पेक्टर साहब, शील जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हमारे रिश्तेदार मुन्ना राजदान का पार्थिव शरीर ले जाने की औपचारिकता अगर आप पूरी कर लें तो संयुक्ता अपने भाई का दाह संस्कार पूरा कर सकते। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा शील जी, अब मैं भी चलता हूं। जय माता दी। मैं डॉक्टर की बात पे कैसे विश्वास कर लूं बाबा जी, जबकि मेरे भाई ने खुद मुझे फोन करके कहा था कि इस वैष्णवी ने उसके सीने में त्रिशूल घोंपा है। पर ये कैसे हो सकता है बाबा जी? संयुक्ता, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं क्या? उन्होंने राजदान का शरीर देखा, उस पर कोई घाव नहीं है। अगर वैष्णवी ने उस पर हमला किया होता, त्रिशूल से मारा होता तो कहीं घाव तो होता। और इसलिए सच्चाई यह है कि मुन्ना राजदान की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मैं जानती हूँ पापा जी, आप इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है पापा जी। मेरे भाई को इसी ने मारा है, इसने मारा है मेरे भाई को पापा जी। कहाँ है निशान बताइए मुझे।
वैष्णवी ने अगर त्रिशूल घोंपा होता, मारा होता, तो यहाँ शरीर पर कहीं निशान तो होना चाहिए था ना संयुक्ता। संयुक्ता, चीखने चिल्लाने से सच्चाइयां बदल नहीं जाया करती। जब वैष्णवी ने त्रिशूल मारा ही नहीं, और यही सत्य है। अभी तुम पर मुनस्सर है संयुक्ता, ये जो तुमने पुलिस में केस किया है, FIR दर्ज करवाई है, ये वापस कैसे लेती हो? मैं ये केस वापस नहीं लूंगी बाबा जी। गौतम, अब मुझे तुमसे ये भी कहना पड़ेगा कि अपनी पत्नी को समझाओ। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो गौतम, अगर बात आगे बढ़ी तो हो सकता है कि तुम दोनों सलाखों के पीछे नजर आओगे। ये बात तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए गौतम, कि इसका भाई भी उस संस्थान में काम करता था, उस संस्थान में जहां कि तुम दोनों भी ट्रस्टी हो। और वो वहां किस किस्म के काम करता था, किस किस्म के गुल खिलाता था, अगर इस बात की तहकीकात हुई, इस बात की तफ्तीश हुई, तो आप दोनों को सबसे पहले तकलीफ होगी। मेरे धैर्य का इम्तिहान मत लो गौतम, अगर मेरे सब्र का बांध टूट गया तो इसे भी तकलीफ होगी, तुम्हें भी तकलीफ होगी, और तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ होगी तो समस्त परिवार वालों को तकलीफ होगी। तुम खुद समझदार हो तो मैं तुम पे छोड़ता हूं। जय माता दी। अब घबराने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, सब ठीक हो गया। आप दोनों घर जाओ, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूं। क्या बात है बच्चे? पापा जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी धमकियों के बाद मुन्ना भैया ने उन बच्चों पे हमला नहीं किया और वो वहां से ऐसे ही चले गए। मेरा बच्चा, जिन बातों का अर्थ समझ में ना आए उसे माँ पे छोड़ देना चाहिए, और हमें तो माता रानी का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक माँ पाप होने से बच गया। मुन्ना का क्या है, उसे उसके किए की सजा मिल गई, बाकी सब जय माता। मेरा बच्चा, अब घर जाकर आराम करो, वंश बच्चे को ले जाओ, बाकी बातें घर आकर करता हूँ, ठीक है? पापा जी, मैं सोच रही थी कि सहेली संस्थान जाकर उन बच्चों से मिल लूं, वो काफी डरी हुई थी। ना, अभी नहीं मेरे बच्चे, आप घर जाकर आराम कीजिए, सहेली संस्थान को मैं देख लूंगा, वहां के सारे बच्चे सुरक्षित हैं। थैंक यू पापा जी। जय माता जी। थैंक्स सर। जय माता। मुन्ना राजदान की मौत हो गई, मुन्ना राजदान के सारे सबूत मिटा दो, और कुछ ऐसा करो कि सारे इल्जाम मुन्ना राजधान पे चले जाएं, और शील कुमार पर किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। बोलो जय माता दी। जय माता दी। मैंने कहा था राजधान मेरे रास्ते में मरता, लेकिन तुम माना नहीं।
ये मेरी माँ, आज तेरे आदेश से मुझे देख क्या करना पड़ा। मैंने कहा था इसे कि वैष्णवी मेरी बहू नहीं, माता रानी की बेटी, मेरी कामयाबी की सिद्धि, लेकिन नहीं माँ। चलिए, आप तो जानती हैं माँ, नील कुमार को भी घाटे का सौदा नहीं करता, है ना माँ? रोजान, जय माता। वैष्णवी बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हमें बहुत फिक्र हो गई थी तुम्हारी। पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या क्या तुम्हारे साथ। आखिर कोई तुम्हारी जैसी मासूम लड़की पर इतना संगीन इल्जाम कैसे लगा सकता है? अरे पत्थर पड़ गए थे संयुक्ता की अकल पर, जिसने ऐसी मासूम बच्ची पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की बेवकूफी की। अरे जो लड़की चींटी तक नहीं मार सकती, वो एक आदमी पे हमला कैसे कर सकती है? तुम फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, संयुक्ता ने जो किया सो किया, लेकिन तुम्हारे इस छोटे पापा को तुम पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, माता रानी की असीम कृपा है तुम पर, तभी तो तुम इतनी जल्दी छूट गई। वैष्णवी, आज तुम्हारी सच्चाई के साथ साथ हमारे विश्वास की भी जीत हुई है। मुझे विश्वास था कि जिसने इतनी श्रद्धा से माता रानी की आराधना की हो, तो कोई उसका बाल भी बांका कैसे कर सकता है? आखिर माता रानी की भक्ति निष्फल कैसे हो सकती है? हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं। ये माता रानी और आप सब लोगों का आशीर्वाद ही था जो मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आ गई, वरना मैं खुद नहीं जानती थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। हाँ बेटा, ये सारे सवाल हमारे भी मन में उठ रहे हैं। आखिर मुन्ना की मौत हुई कैसे? हाँ, और संयुक्ता ने ये इल्जाम तुम पर क्यों लगाया? मैं चाहे लाख कोशिशें कर लूं, फिर भी वो शील कुमार मुझसे दो कदम आगे ही निकल जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उसे मात देना मेरे बस की बात ही नहीं आई। माँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ, जिस तरह दिए की लौ बुझने से पहले कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती है ना, उसी तरह शील कुमार की किस्मत का तारा भी डूबने से पहले कुछ ज्यादा ही तेज चमक रहा है। लेकिन आप बस थोड़ा सा इंतजार और करो मां, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। हां मां, अरे वैष्णवी नहीं तो कोई और सही,
उसे बर्बाद करने के लिए मोहरों की कमी है क्या? वैसे माँ, मैं ये जानता नहीं था कि अर्पिता भाभी मरने से पहले उसी संस्थान में काम करती थी। हाँ, लेकिन अर्पिता का इन सब बातों से क्या संबंध? संबंध है माँ, बहुत गहरा संबंध है। और यकीन मानो माँ, इस संबंध को दोबारा जिंदा करने के लिए, दोबारा जगाने के लिए एक आदमी हमारी मदद जरूर करेगा। यश। एग्जैक्टली माँ, यश से जब मैं पिछली बार मिला था तब शील कुमार भदरवा में थे। अब जब मैं यश को इस संस्थान के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में बताऊंगा ना, तो उस बेचारे के जख्म फिर ताजा हो जाएंगे, क्योंकि कुछ साल पहले जब ऐसा ही हादसा हुआ था तो उसने अपनी पत्नी को खोया था। इसलिए अब आप चिंता मत करो मां, मिस्टर शील कुमार को उनका ही खून बर्बाद करेगा। इतने सारे पैसे मैं इतनी जल्दी कहां से लाऊं? वैष्णवी, उसे कल ही वो पैसे लौटाने। अगर मेरे इस मंगलसूत्र से आपका प्यार बच सकता है तो मेरे इस मंगलसूत्र की सार्थकता और बढ़ जाएगी। ले लीजिए। वैष्णवी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है?